हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थो DYC पर। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को 2020 में भी 802 ब्लैक कार्डिश को आप रिफिलिंग कर सकते हैं। रिफिलिंग करने के लिए आपको एक कार्डिश की ज़रूरत होगा और इंक बॉटल ब्लैक और एक सीरिंज। ये सीरिंज जो है ये बिना इस्तेमाल हुआ लेना पड़ेगा आपको, और जैसे कि देख सकते हैं मेरे हाथ पे 802 ब्लैक कार्डिश है। कार्डिश के और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ईयर और मंथ लिखा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे कार्डिश पे 2019 5 मंथ और 26 डे लिखा हुआ है, मतलब इस डेट के बाद ये कार्डिश जो है इस्तेमाल में नहीं आएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप लोग एक्सपायर हुआ कार्डिश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले आपका लैपटॉप में जो भी डेट दिया हुआ है वो डेट ईयर और मंथ को चेंज करना पड़ेगा। कार्डिश में जो डेट दिया हुआ है उसका रिगार्डिंग, तो ये देख सकते हैं मेरे हाथ पे ये एसपी का जेन्युइन जो ओरिजिनल कार्डिश है वही है। इससे पहले मैंने इस कार्डिश को रिफिलिंग नहीं किया था, तो चलिए इसको रिफिल कैसे करते हैं देख लेते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे मेरे भाई लोग ने रिफिलिंग करके दिखाया, मैं भी आज आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे ऊपर देख सकते हैं आप एक लेवल लगा हुआ है इसकी तरफ से, ये हार्ड तो नहीं है लेकिन इसका ग्लू बहुत सख्त है। ये जो है ये स्टिकर अगर आप एक बार खोल लेते हैं तो मतलब इसमें यार चला जाएगा और इस कार्डिश के अंदर जो भी पॉन्स रहता है उसमें बबल जमने का डर रहता है। मतलब आप ये कार्डिश सिर्फ 2 या 3 बार ही यूज रिफिलिंग के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ये काम में नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा बबल जम जाएगा, यार जम जाएगा। और जैसे देख सकते मेरे मैं इसको खोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये खोल ही नहीं रहा, इसका जो ग्लू है वो बहुत सख्त है। स्टेप बाई स्टेप देख लीजिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिफिलिंग के बाद भी। फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं ऊपर 2 और मिडिल में 1 होल है और इसके नीचे भी 2 है। मैं ये मिडिल का जो पॉइंट है इसमें ही इंक डालूंगा और ऑलरेडी इसमें ब्लैक इंक डाला हुआ है जो कंपनी की तरफ से डाला गया था। मैं इसी होल के अंदर इंक डालूंगा, ठीक है। आप ये जो सीरिंज है ये बिना इस्तेमाल हुआ, मतलब जो इस्तेमाल नहीं हुआ वो ही लीजिएगा, नया मार्केट में मिल जाएगा आपको 10 रुपये या फिर 20 रुपये में। और ये जो है ये मतलब 2 ml इंक लेना पड़ेगा आपको और इसी तरीके से आपको अंदर डालना पड़ेगा।